सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। तो यार आज हम फिर से आ चुके हैं आइसक्रीम ईट में, लेकिन गाइस इस बार हमको जोसेफ कोटेस के जनरेटर को हार्ड मोड में डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि गाइस आप लोगों में से ही किसी ने कहा था कि भाई जोसेफ कोटेस का जो टावर है वो हार्ड मोड में डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो भाई मैं आप लोगों के सामने ये गेम लेकर आ चुका हूँ, अब चलो यार स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूँ कि आप लोगों को हार्ड मोड में कैसे प्ले करना है। तो चलो गाइस, मैंने यहाँ से एक गन लिया, इलेक्ट्रो गन। अभी हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं, क्योंकि गाइस अभी हम लोग फिलहाल गैरेज रूम में है, और भाई गैरेज से बाहर जाते ही हमारा पाला नन से पड़ने वाला है, ये देखो गाइस। बट गाइस नन की हमारे सामने नहीं चलने वाली, चाहे हार्ड मोड हो या फिर चाहे इजी मोड। तो चलो यार, वो 60 सेकंड के लिए मर चुकी है। अब यार यहाँ से पहले हम लोग निकलते हैं फटाफट, और जल्दी से जल्दी जनरेटर को फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि भाई अगर मैं जनरेटर को फाइंड आउट नहीं करूंगा तब तक मैं कोई भी काम नहीं कर सकता हूँ। और उस रूम में मैं आ चुका हूँ जहाँ पर जनरेटर है, पहले ये गेट बंद कर देता हूँ, क्योंकि भाई नन कभी भी आ सकती है। चलो गाइस ये देखो यार क्या बात है गाइस, हमने जनरेटर को फाइंड आउट कर लिया। अब चलो यार फटाफट अपने दोस्तों को बुला लेते हैं और फिर उसके बाद यहाँ का मिशन कंप्लीट करते हैं। और ये देखो गाइस, यहाँ पर लिखा है गेट द की दैट द क्रोकोडाइल गार्ड्स एंड गो इनटू द फॉरेस्ट टू डिस्ट्रॉय द टावर। ओके गाइस, हमको यहाँ पर टावर डिस्ट्रॉय करना है ताकि थर्ड जनरेटर डीएक्टिवेट हो जाए। बट उससे पहले मैं ये एक ले लेता हूँ जो की लिस्ट दे रही है, भाई पता नहीं कहाँ से अंडा चुरा के लेके आई है, पर जहाँ से भी चुरा के ले आए हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा कामगार है। तो चलो यार इसको लेकर चलते हैं फटाफट, यार उसके घोंसले में रख देते हैं। किसकी आपको पता है क्या? मगरमच्छ के। हाँ गाइज, यहाँ पर मगरमच्छ फॉरेस्ट गेट के की सुरक्षा कर रहा होता है, एंड फॉरेस्ट गेट का जो की है हमको चाहिए होता है। और आपको पता है भाई, उसको लेने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, ये 3 के 3 अंडे उसके घोंसले में रख देना, ताकि वो उनके साथ बिजी हो जाए, एंड फिर उसके बाद हम लोग आराम से फॉरेस्ट गेट का की ले सकते हैं। चलो यार फाइनली एक अंडा तो मैंने रख दिया है, लेकिन गाइज काफी ज्यादा रिस्की था भाई, वो बार बार पे मारने के लिए आ रहा था, पता है क्या आप लोगों को। चलो गाइज वो सब जाने दो, अब ये छोटे छोटे से जो घर है यहाँ पर भी देखो एक अंडा हमको मिल गया। भाई सच कहूँ तो मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि यहीं पर एक अंडा मिल गया, नहीं तो भाई बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ पर अंडा मिल गया है तो इसको भी रख देते हैं। अगर नहीं रखेंगे ना भाई, इधर उधर फेंक देंगे ना तो ग्लिच हो जाता है, पता है कि आप लोगों को। मैंने एक बार ऐसे ही किया था रिकॉर्ड करने से पहले पहले, मैं सब कुछ कर लिया था, बस वो अंडे को मैंने यहाँ पर फेंक दिया, क्योंकि वो बार बार मैं पीछे पड़ा था। मैंने सोचा थर्ड वाले को भी ढूंढ के लेके आता हूँ, फिर उसके बाद दोनों साथ में लगा दूंगा। फिर भाई पता है क्या हुआ, थर्ड वाला तो मैंने लगा दिया, लेकिन गाइस वो जो सेकंड वाला था वो खो गया, पता नहीं कहाँ पर चला गया। मैं पूरा गेम ढूंढता रहा, वो मिला ही नहीं, पता नहीं कैसा ग्लिच हो जाता है, वो समझ नहीं आता है। फिर मैंने समझ लिया यार कि अगर आप लोगों को ये एस्केप करना है ना, तो यहाँ पर कोई भी अंडा फेंको मत, आप लोग डायरेक्ट घोंसले में लगाते जाओ, ताकि आप लोगों के साथ कोई भी ग्लिच ना हो। चलो यार मैं फिलहाल गन ले लिया, अब गन लेकर आप लोग सोच रहे हो कि मैं क्या करने वाला हूँ। भाई यार ये हार्ड मोड है, तो आपको पता है ना भाई, मैं जहाँ पे भी जाऊंगा वहाँ पर नन बहुत ही ज्यादा भाग भाग के आने वाली है, और अगर मेरे पास कुछ बचने के लिए नहीं रहा तो भाई मेरा क्या होगा, आप लोग को तो पता है। और ये देखो गाइस, वो तो अभी हमको देखी ही थी, तभी मैंने उसको मार दिया। 440 वोल्ट का झटका लगते ही वो बंदी 60 सेकंड के लिए मर चुकी है। भाई यार उसको मरना नहीं बोलते, उसको बेहोश होना बोलते हैं, क्योंकि भाई 60 सेकंड के लिए कौन मरता है। चलो गाइस एक अंडा हमको यहाँ पर मिल गया, चलो क्या बात है, दो अंडे का काम हो चुका था, अब ये तीसरा है। अब इसको भी डायरेक्ट जाकर लगा देते हैं, और उसके बाद तो आपको पता है ना भाई, वो क्रोकोडाइल आराम से सो जाएगा, मतलब उन तीनों अंडों के पास आके रुक जाएगा और फिर मूव नहीं करेगा, मतलब कहीं पर रेंगेगा नहीं, कहीं पर तैरेगा नहीं। इसलिए गाइज उसको ये 3 अंडे देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चलो गाइज मैं फिलहाल पहुंचने वाला हूँ, ये देखो गाइज, बस यार फटाफट रख देते हैं, क्योंकि भाई अगर रखने से पहले अगर उसके हत्थे लग गया ना, वो मार देगा। वो देखो गाइज, वो बंदा आया और उसके ऊपर ही लेट गया, अब वो वहां से हिलेगा नहीं, अब मैं आराम से फॉरेस्ट गेट का की ले सकता हूँ। लेकिन गाइज उससे पहले मैं यहाँ से एक गन ले लेता हूँ, क्योंकि भाई नन यहीं पर कहीं घूम रही होगी, तो उसको मारना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वेट, कहाँ पर है यार, यहीं कहीं तो रखा रहता है। अच्छा ओके, यहाँ पर है। चलो गाइस ये वाला देखो, ये अभी न्यूली गन आया है, तो मैं इसको ही ले लिया, ताकि भाई अगर वो आ गई ना तो सीधा उसके मुंह पे ही मारूंगा। चलो गाइस पहले यहाँ से निकलते हैं फटाफट। और हाँ गाइस एक काम करते हैं भाई, फॉरेस्ट गेट का की लेने से पहले पहले हम लोग यार चलते हैं जे के पास, ताकि हम लोग कार 98 ले सके, और कार 98 लेने के बाद फटाफट बटन पे शूट करके गैरेज का गेट ओपन कर देते, ताकि हम लोग वैन लेकर आराम से जा सके। ओके गाइस, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पर फॉरेस्ट गेट का की लेने। और ये देखो गाइस, ये उस्ताद खड़ा है कार 98 लेके। भाई यार कितना खतरनाक है ये बंदा, आपको पता है क्या, अगर इसके सामने नन आई ना भाई, तो ये नन को आराम से उड़ा देगा। हाँ यार, पर मैं आप लोगों को वो सब दिखाया नहीं। चलो फिलहाल नन का नाम लिया, नन हमारे सामने ही आ गई, वैसे मैंने ट्रैप लगाया। और ये क्या गाइस, ये तो पूरा हवा में उड़ गई। चलो गाइस एक गोली मारती और चिल्ला रही है। चलो फिलहाल वो बंदी मर तो चुकी है, अब यहाँ से निकलते हैं जल्दी से जल्दी और फटाफट गैरेज का गेट ओपन कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है ना भाई, अगर गैरेज का गेट ओपन नहीं करूंगा तो वैन निकलेगा कैसे। फिर उसके बाद हमको फॉरेस्ट गेट के की मदद से फॉरेस्ट गेट को ओपन करना पड़ेगा, ताकि मेरी वैन वहां पर जा सके। एक्चुअल में होता क्या है गाइस, आपको पता है क्या, वेट, पहले मैं ये बटन को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ ताकि गेट ओपन हो जाए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखो गाइस, मैं यहाँ पर गेट ओपन कर दिया, अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं वैन में बैठ नहीं पा रहा, देख रहे हो गाइस, क्योंकि यार मैंने फॉरेस्ट गेट को ओपन ही नहीं किया है,
तो ये वैन जाएगी तो जाएगी कहाँ पर? इसीलिए गाइज मुझे फॉरेस्ट गेट का की लेना पड़ेगा फटाक से, जो कि यहाँ पर है। और ये देखो गाइज, ये पानी के बिल्कुल बीचों बीच है, जिसकी वजह से क्या होता है पता है, क्रोकोडाइल हमको मार देता है। इसीलिए गाइज उसको 3 अंडे देकर उलझाना पड़ता है, ताकि हमको वो डिस्टर्ब ना करे। और हाँ गाइज, मैं क्या बता रहा था आपको पता है क्या, कि मैं ये वैन लेकर क्यों जा रहा हूँ और फॉरेस्ट गेट को क्यों ओपन करने की सोच रहा हूँ? क्योंकि गाइज यहाँ पर ना कुछ टावर्स होते हैं एंड उनके वीक पॉइंट्स को डिस्ट्रॉय करने होते हैं, ताकि जनरेटर डिस्ट्रॉय हो जाए। क्योंकि यार पहला जनरेटर तो ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो गया था बोरिस की मदद से, एंड सेकंड वाले जनरेटर को तो हमने हैक ही कर लिया था। लेकिन गाइज जो तीसरा जनरेटर है, इसको डिस्ट्रॉय करना इतना आसान नहीं है, और वो भी हार्ड मोड में। और मुझे पता भी है गाइज कि आप लोगों को प्रॉब्लम कहाँ आती होगी, और वो सब मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। फिलहाल ये की यहाँ पर लगा देते हैं, ताकि जो सामने गेट दिख रहा है गाइज वो ओपन हो जाए, क्योंकि वहीं से हमारी वैन जाने वाली है। सामने गेट ओपन हो रहा है, अब जल्दी से जल्दी चलते हैं उस वैन के पास और उस वैन को लेकर आते हैं फटाक से। और गाइज पता है वैन के ऊपर कौन बैठने वाला है? भाई अपना चार्ली बैठने वाला है, क्योंकि उसके ऊपर जो गन लगा है आइस गन, उस आइस गन को वही कंट्रोल करने वाला है। क्योंकि यार सिर्फ उसी गन से हम लोग सारे टावर्स के वीक पॉइंट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि यार वो गन साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है एंड उसकी मदद से हम लोग टावर्स के सारे वीक पॉइंट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिलहाल यार हमारे पीछे नन पड़ी है शायद, क्योंकि बहुत तेज आवाज आया है, बट यार उसके आने से पहले पहले हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। ये देखो गाइज फाइनली मैं वैन के पास पहुंच चुका हूँ, अब बस यहाँ से निकलना है। और वो देखो गाइज वो चार्ली क्या कर रहा है? अरे भाई और कुछ नहीं, वो वैन के ऊपर चढ़ने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि भाई अगर वो चढ़ेगा नहीं तो गन को चलाएगा कैसे, क्योंकि यार नॉर्मली तो वो चढ़ नहीं सकता है। चलो वो सब छोड़ो, अब हमारी वैन आने ही वाली है। ये देखो गाइस ये वैन आ चुकी है। भाई यार उसके ऊपर तो सीट भी है, मतलब यार बैठ के चला सकता है बंदा वो गन को। ओके गाइस लेट्स गो, क्योंकि यार अभी हम लोग जो फेस करने वाले हैं वो इतना आसान नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो, क्योंकि वहाँ के मिनी रोड्स की स्पीड तो यार बवाल होता है, मतलब यार बहुत ही ज्यादा तेज होता है। और भाई अगर वो एक कुल्हाड़ी भी हमारी वैन को मार दिए ना, तो हमारा गेम रीस्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए गाइस उनसे बच कर रहना है हमको, कैसे भी करके पहले उनको मारना है, फिर उसके बाद हमको वीक पॉइंट्स को डिस्ट्रॉय करना है। ओके ये देखो गाइस कितनी स्पीड है भाई, पता है उस बात का डर नहीं है कि भाई वो लोग यहाँ पर पास तक पहुंच जाएंगे और मैं मार नहीं पाऊंगा। एक्चुअली में गाइज ये जो गन रिचार्ज होता है ना, ये देख रहे हो भाई जो रिचार्ज हो रहा है, और इस रिचार्ज के टाइम पे अगर वो मेरे पास में पहुंच जाएंगे ना, तो फिर वो एक ही बार में मार देंगे। और एक तो हार्ड मोड है भाई, अगर इजी मोड रहता है ना तो वो काफी देर तक मारते रहेंगे तब हमारा वैन डिस्ट्रॉय होता है। लेकिन गाइज हार्ड मोड में अगर उन्होंने हाथ भी लगा दिया तो हमारा वैन डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फिर हमारा गेम फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा। और भाई गेम बहुत ही ज्यादा खींच जाता है। और आई नो गाइज कि आप लोगों को भी यहीं पर प्रॉब्लम होता है, क्योंकि गाइज ये जो मिनी रोड्स की स्पीड है बहुत ज्यादा तेज होती है, जिसकी वजह से वो वैन के पास में पहुंच जाते हैं। देख रहे हो गाइज मैं 2 को मारा 3 को मारा, मतलब गाइज ये सब मारने के बाद, मतलब जो मैं टावर्स को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ उनके डिस्ट्रॉय करने के बाद, मैं यहाँ पर आसपास देख भी रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि यार ये जो रिचार्जिंग टाइम है ना यही बहुत खतरनाक है हमारे लिए। चलो कोई नहीं यार, ये देखो मिनी रोड आ रहा था, मैंने उसको मार दिया, आइस बना दिया, अब वो आइस बनाने के बाद अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। चलो और क्या बचा? अच्छा ओके 2 ऊपर बचा है, 1 मारा 2 मारा, भाई ये देखो यार रिचार्ज होने लगा, पर अच्छा है कि हमारा वैन चलने लगा। और भाई आपको पता है इन टावर्स के बहुत सारे वीक पॉइंट्स होते हैं, तो भाई एक ही साइड से तो हम लोग डिस्ट्रॉय कर नहीं सकते, उनको तोड़ नहीं सकते, इसलिए भाई मुझे हर तरफ घूम घूम कर जाना पड़ता है एंड टावर्स के वीक पॉइंट को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। और हाँ गाइज यार इस वीडियो के लिए मैं 100 लाइक का एम देता हूँ, प्लीज यार जल्दी से जल्दी कम्प्लीट करा देना। और हाँ गाइज यार आप लोग आजकल कमेंट नहीं कर रहे कि मैं कौन सा गेम खेलूं, भाई यार जल्दी से जल्दी गेम को सजेस्ट करते रहो, ताकि मैं उस चीज को ट्राई करते रहूं। और हाँ गाइज यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हॉरर गेम ही सजेस्ट करो, क्योंकि यार आप लोगों में से कितने लोग बाइक रेसिंग या फिर कार रेसिंग ऐसे ऐसे गेम सजेस्ट करते हैं, भाई यार इसका कंटेंट नहीं है। अगर मैं आपकी बात मानकर अगर खेल भी लिया और अपलोड भी कर दिया, लेकिन गाइज उसमें व्यू बिल्कुल नहीं आएगा और मेरे चैनल का पूरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। इसीलिए गाइज क्योंकि यार मेरा कंटेंट अलग है ना, तो यार ये सारी रिस्क नहीं ले सकता। ओके तो चलो गाइज ये देखो मैं मिनी रोड्स को ढूंढ रहा हूँ, बट अभी मिनी रोड्स आ नहीं रहे। चलो शायद फाइनली लास्ट एक और वीक पॉइंट बचा हुआ है, नहीं अभी तो 3-4 बचे हुए हैं यार, 3-4 नहीं, पहले ये मिनी रोड्स को मार देता हूँ। एक तो यहाँ पर बचा हुआ है, क्योंकि यार हार्ड मोड में हमको 2-2 बार शूट करना पड़ता है आपको पता है क्या। चलो कोई बात नहीं, मैंने शूट तो कर दिया है, अभी भी कुछ वीक पॉइंट्स बचे हुए हैं, जैसे कि एक बार और मुझे यहाँ पर शूट करना है, पहले मिनी रोड्स नहीं आ रहे ना वो देख लेता हूँ, क्योंकि भाई ये पता चले मैं वहाँ पर ध्यान दे रहा हूँ एंड ध्यान देते देते वो बंदे मार दे मेरे को। चलो गाइस बस लास्ट एक और बचा हुआ है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से एस्केप कर जाएंगे। ओके गाइस देखो यार कितना घूमना पड़ रहा है वहां तक जाने के लिए, बस गाइज लास्ट एक और बचा हुआ है, फिर उसके बाद बल्ले बल्ले, क्योंकि यार काम हो जाएगा हमारा, हम लोग सारे के सारे वीक पॉइंट को डिस्ट्रॉय कर देंगे और डिस्ट्रॉय करने के बाद हमारा जो जनरेटर है वो भी अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और साथ ही साथ ये पूरे के पूरे फैक्ट्री का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो भी डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो चलो गाइज लास्ट एक ही चीज बचा है, ये सारे को शूट करते हैं फटाफट, फिर उसके बाद यहाँ से एस्केप होते हैं। देख रहे हो गाइज मिनी रोड्स आ रहे, तो मुझे उन पर भी ध्यान देना है, कि यार अगर मेरा गन रिचार्जिंग पे लग गया और उसके बीच में वो लोग आए तो भाई बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। ओह शिट भाई, अच्छा हुआ टाइम पे रिचार्ज हो गया, अगर रिचार्ज नहीं होता ना भाई वो बंदा मार ही देता था।
हाँ यार चलो गाइज, ये देख रहे हो भाई कितने पास पास में आ रहे और उनकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है भाई। यार हर जगह से आ रहे, यार हर जगह से आ रहे। उस सीट गाइज मेरा गन फिर से रिचार्ज। अरे भाई उसने तो अपना फावड़ा उठा ही लिया था, बट यार फाइनली बच गया। चलो कोई बात नहीं, अभी यार जल्दी से जल्दी यार सारे टावर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, बस ये लास्ट बचा है भाई। इसीलिए ना मिनी रोड्स की स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो गई है। और देखो गाइज, वेट, लास्ट नहीं था गाइज, अभी एक और बचा है। मुझे लगा था भाई वो लास्ट है। चलो कोई नहीं गाइज, कोई नहीं, अब ये लास्ट है इतना तो कंफर्म है। चलो गाइज कोई नहीं यार, जैसे हमने बाकी सब डिस्ट्रॉय किया इसको भी डिस्ट्रॉय कर देंगे, कोई बात नहीं। चलो यार मैं यहाँ पर पहुंच तो चुका हूँ, अब बस कुछ ही पॉइंट्स को डिस्ट्रॉय करने हैं। यहाँ पर ज्यादा पॉइंट्स नहीं है तो फटाफट पहले दूर वाला डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि भाई पास वाले में इतना दिक्कत नहीं होता है। देख रहे हो यार, और भाई यार कैसा है भाई, साइड से आ रहे तो मैं उनको मार भी नहीं सकता, पत्थर पे लग जा रहा है। चलो यार अच्छा हुआ कि ये लास्ट वाली गोली मिस नहीं हुई। देख रहे हो यार कैसे हैवान की तरह आ रहे कुत्ते सब, भाई यार कितने हरामी के पिल्ले हैं कसम से यार। चलो कोई बात नहीं यार, इनको मार देते हैं। भाई क्यूट दिखते हैं लेकिन गाइज होते बहुत खतरनाक है, और खासकर जोसेफ कोटेज वाले में तो इनका असली औकात दिखता है भाई। यार बंदे सांस लेने का भी फुर्सत नहीं देते हैं। चलो कोई बात नहीं गाइज, कोई बात नहीं, बस यार कुछ टावर्स के कुछ वीक पॉइंट बचे हुए हैं, बस यार उसको डिस्ट्रॉय करते ही यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। पहले तो गाइज मैं मिनी रोड्स को ही देख रहा हूँ, आपको पता है क्या, क्योंकि भाई उनसे मैं काफी ज्यादा डरता हूँ यार, काफी ज्यादा। एक बार भी मार दिया ना तो मेरे गेम का सत्यानाश कर देंगे, इसीलिए गाइज मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। चलो कोई नहीं कोई नहीं, पहले ये देखो यार मिनी रोड्स आ रहा है, पहले इसको बताता हूँ। वेट भाई, देख रहे हो यार फिर से उसने कुल्हाड़ी उठा ही लिया था, बट फाइनली मैं बच गया, चलो अच्छी बात है। ओहो गाइज ये देख रहे हो यार, भाई उसके पीछे भी एक था, अगर मैं उसको देखता नहीं तो भाई वही बंदा मार देता था, पता है क्या। चलो कोई नहीं कोई नहीं। वाओ गाइस क्या बात है यार, मैंने सारे के सारे वीक पॉइंट्स डिस्ट्रॉय कर दिए, अब यार वो जनरेटर अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपको दिखाता हूँ, वेट करो। पहले तो देखो गाइस चार्ली ने कितना ही ज्यादा कमाल दिखाया, मतलब यार उसने एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा, क्या मजेदार था। चलो गाइस ये देखो अपने आप जनरेटर डिस्ट्रॉय हो गया, और इसके डिस्ट्रॉय होते ही अब यार पूरे के पूरे फैक्ट्री का सिक्योरिटी सिस्टम डीएक्टिवेट हो गया, और साथ ही साथ सारे के सारे एग्जिट भी ओपन हो गए। इसका मतलब गाइस अब हम लोग आराम से एस्केप हो सकते हैं। और बताओ गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो यार प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नए हो तो, और अच्छे से अच्छे कमेंट करो यार। और ये देखो गाइस फाइनली हम सारे के सारे फ्रेंड इस वैन के साथ एस्केप होने वाले हैं। ओके गाइस तो अभी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करो और वेट करो मेरे नेक्स्ट वीडियो का। In the end, we all managed to get out of here together.